हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति सुजुकी सेलेरियो का प्राइस 4.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस है 6.94 लाख रुपीस। मारुति सुजुकी सेलेरियो के अंदर आपको टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं जो कि हैं LXi, VXi, ZXi एंड ZXi Plus। और अभी हमारे सामने है इस कार का सेकेंड टॉप वेरियंट ZXi मैनुअल और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 5.94 लाख रुपीस। एंड इस कार के टॉप एंड वेरिएंट ZXi Plus का मैं ऑलरेडी वॉकराउंड वीडियो बना चुका हूं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड अब कार के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए सबसे अच्छे कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व 1 का परफ्यूम। और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और रियली गाइस, इस कार के अंदर आपकी काफी अच्छी फ्रेग्रेंस क्रिएट हो जाती है इसको रखने के बाद। और गाइस, ये परफ्यूम काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये इजिली अराउंड 60-70 डेज तक आपकी कार के अंदर फ्रेग्रेंस बनाए रखता है। तो अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वापस से बढ़ते हैं कार की तरफ एंड सबसे पहले बात करते हैं इस कार के अंदर इंजन ऑप्शन की। तो गाइस, यहां पर आपको इस कार के अंदर सिर्फ एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है जो कि है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 67 पीएस की पावर और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसकी एयर एक लेन माइलेज है 25.24 KMPL ZXi मैनुअल वेरिएंट के लिए। एंड अगर बात करें सीएनजी ऑप्शन की, तो गाइस फिलहाल इस कार के अंदर सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है, मे बी सीएनजी कंपनी फ्यूचर में ऐड इसमें कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा इस कार का। सेंटर में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया जाता है, उसके साइड पे आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं फ्रंट ग्रिल के ऊपर। एंड अगर बात करें हेडलैम्प यूनिट की, तो हेडलैम्प आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ऑफर किए जाते हैं। उसके ऊपर आपको यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा एंड कहीं ना कहीं ये पार्ट इस कार का ऑल्टो की याद दिला रहा है। एंड अब हेडलैम्प यूनिट के नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें फॉगलाइट हाउसिंग मिल जाती है, बट इस वेरियंट के अंदर आपको यहाँ पे फॉगलाइट नहीं मिलती है, पर आप उन्हें एज अ नेसेसरी इस कार के अंदर लगवा सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक। अभी आप इस कार का व्हाइट कलर देख रहे हैं और इसके अलावा आपको 5 और डिफरेंट ऑप्शंस इस कार में मिल जाते हैं एंड उनके बारे में हम बात वीडियो के बीच में करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे इस ZXi वेरिएंट के अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो गाइस, साइड प्रोफाइल में आती है आपको यहाँ सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं 14 इंचेस के स्टील व्हील्स जो कि आते हैं फुल व्हील कवर के साथ। एंड यहाँ पर आपको इनमें टायर्स की प्रोफाइल दी जाती है 165, 70, R14। फ्रंट में आपको यहाँ 2 डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। उसके बाद यहाँ आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा इसके ओवरवीएम के ऊपर एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ ओवरवीएम्स मिल जाते हैं। फोल्डिंग का ऑप्शन आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन ZXi Plus वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा आपको मिलता है कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको पुराने वाले दिए गए हैं, पहले वाली सेलेरियो के अंदर आपको यहाँ पे थोड़े अच्छे वाले मिल जाते थे। और अब डायमेंशंस की बात करें, तो गाइस इस कार की लेंथ को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया गया, यहाँ पर आपको इसमें पहले की तरह ही 3695 mm की टोटल लेंथ मिल जाती है। विड्थ को 55 mm से इंक्रीज कर दिया गया है और अब इस कार की विड्थ है 1655 mm और हाइट है इस कार की 1555 mm। इस कार के अंदर आपको टोटल 2435 mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है और इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो आपको यहाँ पे अब मिलती है 32 लीटर्स की। चलिए अब बढ़ते हैं कार की बैक प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको यहाँ ZXi वेरिएंट के अंदर बैक प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ टेलगेट के सबसे सेंटर में देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो, उसके नीचे आपको यहाँ टेलगेट ओपनर मिलता है, साइड पे आपको उसके सेलेरियो की बैजिंग दी गई है। और अगर बात करें टेल लैंप्स की, तो यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन बल्ब के साथ ही टेल लैंप ऑफर किए जाते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट के साथ। ऊपर आपको यहाँ ZXi वेरिएंट के अंदर रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों ही चीजें मिल जाती हैं। ब्रेक लाइट आपको ऊपर की तरफ दी गई है और रूफ आपको यहाँ पे इस कार के अंदर पूरी की पूरी प्लेन दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके नीचे बम्पर की, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड पूरा बम्पर देखने को मिल जाएगा एंड इस बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और साथ ही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स के साथ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं। इस कार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक एंड ऑल ओवर इस कार की बैक प्रोफाइल काफी ज्यादा बलिनो से मिलती जुलती है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं कार के इंटीरियर्स को। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल टाइप का डोर हैंडल ऑफर किया जाता है, साइड पे आपको उसके लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। एंड अगर बात करें डोर पैड की, तो ये आपको इसमें दिया जाता है पूरा का पूरा सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर। एंड डोर पैड के ऊपर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी कुछ स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के साथ, नीचे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, साथ ही एक स्पीकर भी दिया जाता है और डोर हैंडल आपको अंदर वाला सिल्वर कलर में मिलता है। और गाइस इस कार के डोर्स काफी वाइड ओपन हो जाते हैं, तो कार के अंदर एंटर या एग्जिट करने में आपको यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। अंदर आती है आपको यहाँ सबसे पहले देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड सीट के लिए, और हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाने वाला है। और कुछ ऐसा आपको मिलता है कार के इंटीरियर्स का फर्स्ट लुक। कीज की बात करें, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर
नॉर्मल कीज ही ऑफर की जाती है जो कि आती है लॉकर अनलॉक के बटन के साथ। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज इस कार में मिल जाती हैं। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिलता है की को इंसर्ट करने के लिए एरिया एंड इस कार के अंदर आपको वाइट एंड ऑरेंज इल्यूमिनेशन के साथ पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। एंड इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सबसे सेंटर में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है स्पीडोमीटर, उसके लेफ्ट में आपको दी जाती हैं सभी वार्निंग लाइट्स और राइट में आपको मिल जाती है एक एमआईडी स्क्रीन जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिजिटल आरपे मीटर और साथ ही फ्यूल गेज भी ऑफर किया जाता है। और अब बात करते हैं इस कार के स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया एंड स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर आपको इसमें मीडिया कंट्रोल्स दिए जाते हैं एंड ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको इसके नीचे की तरफ टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी इसमें मिल जाते हैं। यहाँ आपको इसमें सिल्वर इंसर्ट्स भी इसके ऊपर मिल जाते हैं और स्टेयरिंग के पीछे आपको राइट हैंड साइड पर मिलता है हेडलैम्प क्लियर टॉगल और लेफ्ट में आपको दिया जाता है फ्रंट और रियर वाइपर क्लियर टॉगल। और अब बढ़ते हैं स्टेयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर एसी वेंट मिल जाता है, उसके नीचे आपको यहाँ ओवर वीएम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही आपको मिल जाता है ऑटो इंजन ऑन ऑफ के लिए स्विच और ये जो आप खाली एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे की वाला सिस्टम दिया गया, नीचे आपको उसके मिल जाता है हेडलाइट लेवलर और कुछ ऐसे आपको यहाँ पे इस कार के अंदर तीन पेडल्स दिए गए। एंड अगर बात करें इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट की, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर पूरा सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है। एंड डैशबोर्ड लेआउट के अगर सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर में सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक टू डन का म्यूजिक सिस्टम जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि AM, FM, USB, ब्लूटूथ एंड ऑक्स। और इस सिस्टम में आपको USB और ऑक्स के पोर्ट्स यहाँ ऊपर की तरफ ही दिए गए हैं और साथ ही आपको इसके अंदर वार्निंग लाइट्स भी मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लो फ्यूल की वार्निंग अभी आ रही है कार के अंदर। और अगर बात करें टॉप एंड वेरिएंट की, तो वहाँ पर आपको इसके अंदर 7 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ। एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के नीचे मिल जाते हैं 5 buttons जिसमें से सबसे पहले आपको मिलता है हजार्ड लाइट के लिए सेंटर में, उसके साइड पे आपको यहाँ दोनों फ्रंट पावर विंडो के स्विचेस मिलते हैं, साइड पे आपको उसके मिल जाता है कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए और दूसरी साइड पर आपको दिया जाता है विंडो लॉकर और कुछ ऐसा आपको मिलता है कंप्लीट लुक इस पूरे यूनिट का। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं दोनों एसी वेंट्स के साइड पे और नीचे आपको यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स एंड मैनुअल एसी कंट्रोल्स यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे इसमें मिलता है एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, फिर मिल जाती है आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस एंड स्टोरेज स्पेस के आगे आपको यहाँ पे दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, जिसमें से मैंने एक कप होल्डर के अंदर रखा हुआ है अपना पर्सनल फेवरेट इनवॉल्व 1 का परफ्यूम। अभी मेरे पास है इसकी मस्क फ्रेग्रेंस एंड रियली गाइस काफी मस्त फ्रेग्रेंस है ये। एंड इसको कार के अंदर लगाने के बाद आपकी कार के अंदर एक काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस क्रिएट हो जाती है और साथ ही आपकी कार की एयर को ये फ्रेशन अप भी कर देता है, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठते ही आपका मूड भी पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर इसके अंदर फ्रेग्रेंस को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और किसी भी तरह की यहाँ पर आपको इस परफ्यूम के अंदर लीकेज की दिक्कत नहीं आने वाली है। और खास बात यह है कि गाइस ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड काफी अफोर्डेबल भी है। इसे आप 345 rupees में जाकर बाय कर सकते हैं involveyoursenses.com पर, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इनकी कम्प्लीट रेंज के ऊपर आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं द कार शो कूपन कोड को यूज करने के बाद। चलिए अब रखते हैं इसको वापस एंड बात करते हैं इस कार के गियरबॉक्स की, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर 5-speed का मैनुअल और 5-speed AMT का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसके अंदर रिवर्स गियर लगाते ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की साउंड सुनने को मिल जाती है। और गियरबॉक्स की सराउंडिंग्स पर आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए जाते हैं, पीछे आपको उसके हैंडब्रेक मिलती है और हैंडब्रेक के पीछे आपको यहाँ पे रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं इस कार के अंदर फ्रंट सीट की, तो यहाँ पर आपको इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ फ्रंट सीट्स ऑफर की जाती हैं एंड ब्लैक फैब्रिक फिनिश के अंदर ही आपको यहाँ पे इस कार के सभी वेरिएंट्स के अंदर सीट्स दी जाती हैं। एंड ऑल ओवर इनके कंफर्ट एंड कुशनिंग की अगर बात करें, तो गाइस ये सीट्स आपको डिसेंट कंफर्ट एंड ऑल ओवर कुशनिंग ऑफर करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स की, तो गाइस यहाँ पर आपको इस कार के अंदर ड्यूल एयरबैग्स ABS एंड ABD एज स्टैंडर्ड ऑफर किए जाते हैं एंड हार्टटैक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कार को बनाया गया है। वारंटी पैकेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको इसमें 2 years एंड 40,000 kilometers की वारंटी एज स्टैंडर्ड मिल जाती है, जिसे कि आप अप टू 4 years एंड 80,000 kilometers तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स की तरफ एंड देखते हैं कि आपको वहाँ पे कितनी स्पेसिंग मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल स्पेसिंग इसके ग्लव बॉक्स में दी जाती है, कूलिंग का फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। एंड ऊपर आपको यहाँ पर सेंटर साइड सनसीट के अंदर मिल जाता है वैनिटी मिरर, सेंटर में आपको यहाँ पे इसमें दिया जाता है मैनुअल डे एंड नाइट IRVM, ऊपर आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ रूफ लाइट दी जाती है और इस साइड सनसीट के अंदर आपको मिल जाता है एक टिकट होल्डर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस की, तो गाइस यहाँ पर आपको इस कार के अंदर टोटल 6 different कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जो कि हैं रेड, ब्लू, वाइट, ग्रे, ब्राउन और सिल्वर। चलिए अब चलते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बैक सीट एक्सपीरियंस। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर एंड ये भी आपको मिल जाता है सेम
फ्रंट डोर की तरह ही सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ। एंड यहाँ पर भी आपको इसमें सबसे पहले कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आर्मरेस्ट के साथ, नीचे आपको एक बॉटल होल्डर दिया जाता है, साथ ही आपको स्पीकर भी मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जो इंटीरियर डोर हैंडल दिया जाता है ये भी आपको सेम सिल्वर कलर में मिल जाता है। एंड अगर बात करें डोर ओपनिंग की तो गाइस ये डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर बैक सीट में भी एंटर करने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार की बैक सीट्स को। तो गाइस यहाँ पर आपको इसके अंदर फिक्स टाइप के हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, दो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे किसी भी वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाने वाला है, और कुछ ऐसी आपको मिलती हैं सीट्स, और कुछ ऐसा आपको मिलता है कार के डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक बैक सीट से। एंड ऑल ओवर डिसेंट इंटीरियर्स यहाँ पर आपको इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको सिर्फ आगे की साइड पे एक लाइट मिलती है, पीछे आपको कोई भी रूफ लाइट नहीं मिलती है। एंड अगर बात करें नीचे की तो यहाँ पर आपको इसमें प्लेसमेंट मिल जाएगी रियर पावर विंडो के स्विचेस की, एंड इनकी प्लेसमेंट मेरे को थोड़ी सी ऑड लगी क्योंकि यहाँ पर आपको इसके अंदर झुक के इन बटन्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैप पॉकेट आपको यहाँ इस सीट के पीछे एक मिल जाती है, और इस साइड पर आपको यहाँ पे कोई भी मैप पॉकेट ऑफर नहीं की जाती है। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेसिंग मिल पा रही है, मेरी हाइट 6 फीट है फॉर रेफरेंस, एंड कुछ इतनी मेरे को यहाँ पे स्पेसिंग ऑल ओवर मिल पा रही है, तो यहाँ पे मेरे को कोई खास दिक्कत भी नहीं है, बट ऑल ओवर कोई खास अच्छी स्पेसिंग भी नहीं है। एंड अगर बात करें नीचे लेग रूम की तो यहाँ पर आपको इसके अंदर सेंटर में थोड़ा सा टनल हम्प मिल जाएगा, तो मिडिल पैसेंजर के लेग रूम में कोई खास दिक्कत इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आने वाली है। एंड बैक सीट में इस कार की 2 एडल्ट्स और 1 किड बैठ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कार के बाहर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बूट एरिया। और गाइस इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सुजुकी के लोगो के नीचे दिया जाता है बूट ओपनर, और आप इसकी मदद से इसका टेलगेट लिफ्ट कर सकते हैं। बूट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके बूट के अंदर पार्सल ट्रे सबसे पहले देखने को मिल जाती है। एंड ऑल ओवर अगर स्पेसिंग देखें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर टोटल 313 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आप 3 से 4 बड़े बैग्स आराम से रख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको और बूट स्पेस चाहिए तो आप इस कार की रियर सीट्स को 60-40 वे में स्प्लिट फोल्ड कर अपना बूट स्पेस और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। बूट लैंप की बात करें तो गाइस वो आपको सिलेरियो के किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। एंड इस मैट एरिया के नीचे आपको यहाँ पे इसमें प्लेसमेंट मिल जाती है टूल किट, और साथ ही एक 14 इंचेस के सेम साइज के स्पेयर व्हील की, और टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपको वहाँ पे सेम 14 इंचेस का स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है। चलिए अब इसका टेलगेट बंद कर देते हैं एंड बात करते हैं इस कार के प्राइसिंग की। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi मैनुअल वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 5.94 लाख रुपीस, एंड ऑन रोड चंडीगढ़ में आपको पड़ेगी 6.60 लाख रुपीस की। एंड इस कार के बाकी सभी वेरिएंट्स के एक्सशोरूम प्राइसेस अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस प्राइसिंग को देखते हुए आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम्स का, आप वहां पर उस लिंक पे क्लिक कर इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम्स को बाय कर सकते हैं। एंड इनकी कंप्लीट रेंज के ऊपर आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं द कार शो कूपन कोड यूज करने के बाद। तो ये था गाइस ऑल न्यू 2021 मारुति सुजुकी सिलेरियो के ZXi मैनुअल वेरिएंट का डिटेल्ड वॉकराउंड वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सिलेरियो के बाकी सभी वेरिएंट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।